हे गाइस, वेलकम बैक टू मंदाना एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। स्कोरिंग टॉपिक है, इजी टॉपिक है। इसमें बेसिक्स की आपको कोई नीड नहीं है। दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप वन आता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, दूसरा आता है ग्राफिकल सॉल्विंग। एक्चुअली एज बींग द एक्सपर्ट टीचर, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करने आता, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि इस चैप्टर में क्या है, क्यों है, कैसा होगा। सीधे काम की बात करते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम पास नाम की चीज ही नहीं है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में दो टाइप के सवाल आते हैं। पहला आता है फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, वो कैसे होता है और उन इक्वेशन में क्या क्या चीजें होती हैं, वो जब कंसेप्ट आएगा तब देखेंगे। ग्राफ में क्या होता है, कैसे होता है, जब क्वेश्चन आएगा तब देखेंगे। और एक बात आपको बता दूं कि मिनिमम आप सिर्फ तीन क्वेश्चन देख लो, ज्यादा नहीं, तीन क्वेश्चन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तीन क्वेश्चन ग्राफ के। इसके बाद की सॉल्विंग आप खुद ही करते जाओगे। यू जस्ट नीड थ्री क्वेश्चन, दैट्स इट। मेरा रिकॉर्ड रहा है कि एक वीक में भी स्टूडेंट रहा, तीन क्वेश्चन के बाद वो खुद सॉल्व करना शुरू कर देता है। और होशियार तो एक ही बार बताना पड़ता है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग दो टाइप, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड ग्राफिकल सॉल्विंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि दोनों कंसेप्ट कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए एक फंडामेंटल क्वेश्चन देखते हैं। राम नाम का एक आदमी है जो कि बोलता है मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है दो जगह पे, पहला है FD, दूसरा है सेविंग। राम कहता है कि FD और सेविंग मिला के मुझे 10,000 रुपए रखने हैं। अब इस इंफॉर्मेशन को आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? आप यूज करोगे इनइक्वालिटी, ठीक है। तो राम को FD करवानी है और सेविंग करानी है 10,000 की, ठीक है, 10,000 की करानी है उसको। तो हम इसको लिखेंगे x+y = 10,000 और less than 10,000, क्योंकि देखो सेविंग और FD उसको 10,000 तक की करानी है, तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अच्छा, और एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है उन्होंने। इंफॉर्मेशन दे रखी है हमने, FD है x, सेविंग है y, और उन्होंने इंफॉर्मेशन दे रखी है एट मोस्ट वो FD करा सकता है 5,000 की। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए कि FD एटमोस्ट 5,000 की करानी है, तो उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। ग्रेटर देन और लेस देन का यूज आप देखो। X जो है वो 5,000 से छोटा हो सकता है या तो बराबर हो सकता है, सही है ना? अगर क्वेश्चन में दे रखा है एटमोस्ट 5,000 की FD हो सकती है, दैट मींस द FD शुड बी मैक्सिमम 5,000 और लेस देन 5,000। सो X इज लेस देन 5,000 और इक्वल टू 5,000। तो कुछ इस तरीके से हम जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, उसको हम इनइक्वालिटी फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप प्लीज वेट करिए, पहले हम ग्राफिकल मेथड देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बच्चा भी कर लेगा, आपको सिर्फ थोड़ी सी हिंट चाहिए उसमें, ठीक है, एटलीस्ट एटमोस्ट ऐसे वर्ड यूज होते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू चैप्टर का जिसको मैं बताना चाहता था। तो प्लीज आप पहले ग्राफिकल मेथड देख लें, हाउ टू सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज, वही मेन है। बाकी फॉर्मेशन इक्वेशन काफी इजी होने वाला है, ठीक है। तो आपने देखा LPP क्या है। LPP में हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। अब ये सारी चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। पहले के जमाने में World War I के टाइम पे कंप्यूटर्स नहीं रहते थे, तो ये सारे कैलकुलेशन इस तरीके से होते थे। ये सारी चीजें अब आउटडेटेड हो गई हैं, बट एनीवेज सिलेबस में तो है ही हमारे। सो प्लीज आप देख लीजिए कि इस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम को इनइक्वालिटीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट ये वर्ड प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज दिस एंड कंस्ट्रेंट्स आर दिस। अब एक चीज आप समझ के चलिए, मैक्सिमाइज को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये जो जेड दे रखा है ना आपको, जेड को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कि दी हुई जानकारी के आधार पे मैक्सिमाइज निकालो या मिनिमाइज निकालो, ठीक है।
दूसरी बात, कंस्ट्रेंट्स का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस है। अब ये सारी चीजें वैसे तो आउटडेटेड हो गई हैं, हम कंप्यूटर की मदद से भी सारी सॉल्विंग कर सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में है, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक। तो चलिए एक चार्ट के थ्रू पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे। सो बेसिकली हमको एक चार्ट बनाना होता है जिसमें अपने को पहले लिखना होता है इनइक्वालिटी, फिर आता है इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, फिर आता है इक्वालिटी, फिर आता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और उसके बाद आता है शेडेड रीजन। ठीक है, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, पॉइंट्स भी कह सकते हो। ठीक है, ये चार्ट बनता है। अब क्वेश्चन में इनइक्वालिटी क्या क्या है, ये सारे कंस्ट्रेंट्स इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब इनइक्वालिटी हटा दीजिए, हट गई इनइक्वालिटी। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता है मैं आपको बता देता हूं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वन। जब x के नीचे कुछ कुछ होता है, y के नीचे कुछ कुछ होता है, उधर वन होता है, उसे कहते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पर डबल इंटरसेप्ट होने के लिए यहां पर वन चाहिए, सबको चार से डिवाइड करो, x अपॉन चार वाई अपॉन चार इक्वल टू वन। ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बन ही नहीं सकता, तो एज इट इज लिख दो, क्योंकि ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, अब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं यहां पे, ताकि ग्राफ बनाया जा सके। मैं यहां से क्लीन कर देता हूं। ठीक है, अब यहां जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसे ढंग से पढ़ो। शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कैसे मिलता है, शेडेड रीजन मिलता है पुट 0 0 इन इन इक्वेशन। क्या बोला मैंने, पुट 0 0 इन इन इक्वेशन। तो इससे क्या होगा, अगर सेटिस्फाई करता है 0 0 अगर सेटिस्फाई करता है तो वो ओरिजिन साइड जाएगा, 0 0 अगर नॉट सेटिस्फाई करता है तो आएगा नॉन ओरिजिन। अरे भाई सबर रखो, बताता हूं क्या है। इनइक्वालिटी लिखी, काफी इजी था। इक्वालिटी कन्वर्ट किया, काफी इजी था। डबल इंटरसेप्ट बनाया, काफी इजी था। अब शेडेड रीजन क्या होता है, शेडेड रीजन का मतलब है आपको क्या करना है, 0 0 को, 0 0 को कहां पे रखना है, इन इक्वेशन में। देख लो क्या लिखा है, इन इक्वेशन में उठा के आपको 0 0 रखना है। 0 0 रख के अगर वो सेटिस्फाई करता है तो ओरिजिन साइड, नहीं करता है तो नॉन ओरिजिन साइड। अब इसका मीनिंग क्या है, डायरेक्टली क्वेश्चन में देखते हैं। ये है इनइक्वालिटी, यहां पे 0 0 रखो तो क्या आ रहा है बताओ, इधर 0 0 रखा तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। तो क्या कानूनी तौर पर मैं सही हूं, क्या 0 प्लस 0 ये 4 के बराबर या 4 से छोटा है? हाँ, आप कह सकते हो 0 इज लेस देन 4, मतलब 0 0 इन इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, देयरफॉर ये जाएगा ओरिजिन साइड। ठीक है, इन दोनों को आपको छोड़ देना है। पूछो क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 x एक्सिस है, y इक्वल टू 0 y एक्सिस है ना। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये ऐसा, ये ऐसा, दिस इज सो कॉल्ड एज y इक्वल टू 0, दिस इज सो कॉल्ड एज x इक्वल टू 0। सोचो कैसे, क्योंकि इधर y1 है, इधर y2 है, तो x एक्सिस इज y इक्वल टू 0, y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। ठीक है, ये बन गया, गॉट इट। आगे देखो, मैंने काफी डिटेल में बताया, इतना डिटेल में बताया कि 70-80% टॉपिक खत्म हो चुका है। अब
डबल इंटरसेप्ट फॉर्म की एक खासियत होती है वो ये कि इसकी प्लॉटिंग इजी हो जाती है, मतलब एक्स पे चार इंटरसेप्ट है, वाई पे चार इंटरसेप्ट है, मतलब इंटरसेप्ट का मतलब है ये लाइन एक्स को चार पे टच कर रही है और वाई को चार पे, तो यहां पे फोर कहां पे मुझे बताओ, वेर इज द फोर, यहां पे फोर, यहां पे फोर, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, सो दिस इज फोर, दिस इज फोर, तो हमारी लाइन बन गई, हमारी लाइन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने कहा है शेडेड रीजन किस तरफ बनेगा, शेडेड रीजन ओरिजिन की तरफ बनेगा, मतलब ये जो लाइन है इसकी एक शैडो बनेगी, इस लाइन की एक शैडो बनेगी जो किस तरफ गिरेगी, इस तरफ गिरेगी, ठीक है। क्वेश्चन हो चुका है खत्म, इसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन, एक चीज आप ख्याल में रखो जितनी भी सॉल्विंग होती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, कॉमन सेंस, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो हमारे सारे कैलकुलेशन पॉजिटिव है, इंटरेस्ट, एफडी, विटामिन कैलकुलेशन, प्रॉपर्टी, ये सारी बातें, प्रॉफिट कैलकुलेशन, ये सारी बातें कैसे रहती है, पॉजिटिव ही रहती है, दैट मीन्स एक कैलकुलेशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और इस शेडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं, बाउंडेड पार्ट भी कहते हैं या फिर फिजिबल रीजन भी कहते हैं। फिजिबल रीजन का मतलब है शेडो जो कास्ट हो रही है लाइन की इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट इज कॉल्ड एज फिजिबल रीजन। क्लियर है, क्या क्या बताया, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, शेडेड रीजन, और डायग्राम बन गई। अब क्या यहां तक क्वेश्चन खत्म हो रहा है, नहीं, क्वेश्चन यहां तक खत्म नहीं हो रहा है, उन्होंने बोला है मैक्सिमाइज करो, ठीक है, थोड़ा क्लीन कर लो यहां पर, मैं लेट मी जस्ट क्लीन इट, हम यहां पे कैलकुलेशन करते हैं मैक्सिमाइज की ताकि टाइम बच जाए अपना, ठीक है। अब इसकी वजह से हमें कौन कौन से कॉर्नर के पॉइंट्स मिले हैं, पहला पॉइंट मिला है जीरो फोर, एक्स पे फोर, वाई पे जीरो, लेट मी राइट इट, एक्स पे फोर, वाई पे जीरो, दूसरा पॉइंट मिला है वाई पे चार, एक्स पे जीरो, तीसरा पॉइंट मिला है ये जीरो जीरो, तो हमारे पास इस डायग्राम में तीन पॉइंट्स आए हैं, तो पहला पॉइंट क्या है, आप एक्चुअली नेक्स्ट पेज पे लिखोगे आपकी बुक में, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, हमारे पास तीन पॉइंट्स आए हैं, पहला है जीरो जीरो, दूसरा है फोर जीरो, तीसरा है जीरो फोर, जब मैंने जीरो जीरो जेड में रखा, जब मैंने जेड में जीरो जीरो रखा मुझे आंसर क्या मिलो, थ्री जीरोजा फोर जीरोजा। अब आप बोलोगे ये सब क्या है, देखो हमें या तो मैक्सिमाइज निकालना रहता है या तो मिनिमाइज निकालना है, मैक्सिमाइज अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, जो हमें डायग्राम मिली है ना, ठीक है, डायग्राम का शेप कैसा भी हो फर्क नहीं पड़ता, उसके कॉर्नर के पॉइंट्स ले लेना है, ठीक है, एज ले लेना है, तो एज पे हमने देखा पॉइंट्स मिल गए, ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट अपने को जेड में डालने हैं, तो जेड में डाले तो पहला आ गया जीरो, दूसरा क्या आ रहा है देखो, Z2 ले लिया इसका नाम, X पे तीन फोर जा, Y पे जीरो जा, मतलब आ गया बारह, Z3 देखो क्या आ रहा है, X पे जीरो, Y पे फोर, सिक्सटीन। अब आप ही सोचो, आप ही कैलकुलेशन लगाओ, कौन बड़ा है, दिस वन इज द बिगेस्ट, क्या है बिगेस्ट, Z3 इज द बिगेस्ट वन, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एट 0.4 इट इज मैक्सिमम, ठीक है, और उसका आंसर क्या है, ये दिस वन इज द आंसर एंड मैक्सिमाइजेशन आंसर इज 16, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो कुछ इस तरीके से सॉल्विंग करते हैं, बहुत ही बच्चों वाली सॉल्विंग है, कुछ भी दम नहीं है, दिस वॉज द रियली इजी क्वेश्चन, अब हम थोड़ी सी लेवल इंक्रीज करेंगे, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट, देखो इसमें बताने का काम बहुत ज्यादा था, समझने का काम बहुत कम था, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन विच इज -3x + 4y, और हमें इंस्ट्रक्शन दे रखा है मिनिमाइज करने का। सेम प्रोसेस है, पहला इनइक्वालिटी चिपका दो विच इज x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। ठीक है, आगे हमने देखा इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बनाया, तो x + 2y = 8, 3x + 2y = 12। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ, सबको 8 से डिवाइड करो, यह आ जाएगा x/8, 2/8 आ जाएगा 4, इधर आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप बोलोगे डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों, आपके स्कूल या आपके कॉलेज में आपको क्या सिखाया है, आपको सिखाया है कि कोऑर्डिनेट्स ढूंढो। देखिए कोऑर्डिनेट्स ढूंढो या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाओ चलता है। अब कुछ कुछ बच्चों को ये इजी लगेगा, अगर नहीं लगता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं कोऑर्डिनेट मेथड से प्लॉटिंग बताऊंगा। 12 से डिवाइड करो तो 3 4 2 6 12 से सबको डिवाइड किया तो देखो ये 1 आ गया, 3/12 3 4 12 2 6 ठीक है। अब ओरिजिन नॉन ओरिजिन चेक करते हैं, x + 2y = 8 में 0 0 रखो, तो इधर लिख दो 0 + 2y, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, ठीक है। 0 + 2 × 0 = 8, क्या 0 + 0 = 0, 0 क्या ये 8 के बराबर है या 8 से कम है? हाँ 8 से कम है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 ओरिजिन है वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन्स ओरिजिन साइड। शेडेड रीजन कहां आ रही है? ओरिजिन साइड। इधर रखो 0 0, 3 0 = 0, 2 0 = 0, 0 0 जब मैंने इसमें रखा तो 0 आंसर आ रहा है। क्या ये 0 12 के बराबर है? नहीं, 12 से कम है, हाँ आइदर 12 से लेस है या तो 12 के इक्वल है, हाँ 12 से लेस है, तो 0 0 इसको सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स आएगा ओरिजिन साइड। अब ये ओरिजिन साइड आ गया, तो चलिए इसका ग्राफिकल सॉल्विंग करते हैं, इसको क्लीन कर लेता हूं मैं। आपने ऐसा लिखा, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक्स पे हम प्लॉटिंग कर लेते हैं 2 4 6 8, इधर भी कर लेते हैं 2 4 6 8, आपको ग्राफ तो मिलेगा वैसे भी एग्जाम में। एक्स पे 8, ये देखो एक्स पे 8, वाई पे 4, तो हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये कौन सी वाली लाइन है? ऊपर वाली लाइन है, इसका हम नामकरण कर देते हैं, द नेम इज x + 2y = 8, हेयर इट इज इक्वल टू 8। दूसरी वाली लाइन क्या है बताओ? ये है एक्स पे 4 वाई पे 6, एक्स पे 4 वाई पे 6, कनेक्ट कर दो, इसको है नाम 3x + 2y = 12, इसका नाम वही है ना। आपने देखा जिस तरीके से मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, ये आपको पहले मेथड नहीं थी, ये आपने आज सीखी है। अदरवाइज आप ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? आपको बोला x + y = 5, तो आप ऐसे लेते थे और x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखते थे कि 0 ले लिया तो ये 5, इधर 5 ले लिया, इधर ये 0 ले लिया तो 5, या फिर आप बोलते थे x को अगर 1 ले लेते हैं तो y आ गए 4, x को अगर 3 ले लेते हैं तो y आ जाएगा 2, तो ये मेथड आप यूज करते थे। बट ये काफी यूनिक है, ये भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब शेडेड रीजन दोनों का ओरिजिन साइड है। अब एक नई चीज सीखने को मिल रही है, यहां पे दो लाइंस हैं, कितनी लाइंस हैं? दो लाइंस हैं। आपको ऐसा ही शेडेड रीजन लगाना है जो दोनों में आता हो। अब मुझे बताओ ये दोनों में उन्होंने कहा है ओरिजिन साइड, द शेडो फॉलोज ओरिजिन साइड, तो कुछ इस तरीके से आएगी, हाँ या ना? इसकी शेडेड रीजन किस तरफ आएगी? इस तरफ आएगी, हाँ या ना? मुझे बताओ कॉमन एरिया कौन सा है? ये एरिया में सिर्फ इसकी शेडो आ रही है, ये एरिया में सिर्फ इसकी शेडो आ रही है, बट यहां पे देखो इस वाले पोर्शन में दोनों की शेडो आ रही है, इस वाली लाइन की नहीं, इस वाली लाइन की। सो द कॉमन शेडेड रीजन इज व्हाट बताओ? सो द कॉमन शेडेड रीजन इज व्हाट?
दिस वन इज द कॉमन शेडेड रीजन, तो इसको हटा देंगे हम, वी विल क्लीन इट बिकॉज वी डोंट नीड इट. सो दिस इज व्हाट फिजिबल रीजन, इसको क्या कहा जाता है, फिजिबल रीजन. तो हमारे पास कॉर्नर के कितने पॉइंट्स मिले हैं, हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट है ये, x पे 4, y पे 0. दूसरा पॉइंट है 0, 0. तीसरा पॉइंट क्या है बताओ, 0, 4. और चौथा पॉइंट क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन. तो चेक कर लें कितना आ रहा है पॉइंट. देखो लीनियर इक्वेशन की सॉल्विंग करनी पड़ती है, आपके पास कोई कंप्यूटर्स तो है नहीं, तो आपको चेक करना है कि ये दो लाइन कहां पे आपस में काटती हैं. तो मैं क्या करता हूं, इसको इसमें रख देता हूं या इसको इसमें रख दो, कुछ भी एक करो. तो एक काम करो, x को उधर भेज दो, तो 2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 - x. तो 2y की वैल्यू है 8 - x, इधर रख दी. अब 8 उधर जाएगा, -8 उधर आएगा, 4. 2x में से 1x गया, x की वैल्यू 4 आप किसी में भी एक में रख दो. तो x की वैल्यू 4 इधर रखी, तो 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 - 4 = 4. y की वैल्यू 2. सो 4 और 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 4 और 2 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों लाइन आपस में क्या करती है, इंटरसेक्ट. कूल. अब हमको चेक करना है मिनिमाइज, ठीक है, मिनिमाइज चेक करना है. तो 0, 0 पे चेक करते हैं. मुझे ऐसा लगता है सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, चारों पॉइंट्स पे हम चेक करते हैं, विच इज अ प्रोसेस, ये प्रोसेस है. तो पहला पॉइंट है 0, 4, 4, 0, 0, 0, 4, 2. तो z1, z2, z3, z4. अब मुझे एक बात बताओ, सिंपली ये है मेरा z1, x पे 0 रखा और y पे 4 रखा, तो क्या आ जाएगा, 0 रखा तो 0 मतलब ये 16 आ जाएगा. दूसरा, x पे 4 रखो, y पे 0 रखो, तो आ जाएगा -12. अगला, 0, 0 रखो तो आ जाएगा 0, ठीक है. 4, 2 रखो, 4, 3 = 12. 4 + 8 कितना हो जाएगा, -4. मुझे बताओ सबसे कम वैल्यू कहां पे आ रही है, द लोएस्ट वैल्यू गिविंग पॉइंट इज दिस वन. तो हम यहां पे लिख सकते हैं शिद्दत के साथ कि एट 4, 0 इट इज मिनिमम. मिनिमम मतलब सबसे कम वैल्यू आ रही है, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी फाउंड द आंसर. इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, या फिर आप पॉइंट्स निकाल के ग्राफ प्लॉट करो चलेगा. शेडेड रीजन, शेडेड रीजन में भी पता है 0, 0 रखो, सेटिस्फाई किया तो ओरिजिन साइड, नहीं सेटिस्फाई किया तो नॉन ओरिजिन साइड. उसके बाद में हमने जेड पे सारे कॉर्नर के पॉइंट्स रख लेना है, आंसर आ जाना है. कुछ भी नहीं था, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मन्ना एकेडमी. क्वेश्चन है मैक्सिमाइज का, कंस्ट्रेंट दे रखे हैं, आपको कहा रखा है कि सॉल्व ग्राफिकली, ठीक है. तो ग्राफिकली सॉल्विंग के मेथड मैंने आपको बताई है कि सबसे पहले इनइक्वालिटी का चार्ट, फिर इक्वालिटी, फिर डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर शेडेड रीजन. इस क्वेश्चन में हम थोड़ा हटके करेंगे. अब की बारी में ग्राफ प्लॉटिंग के लिए, ग्राफ प्लॉटिंग के लिए और शेडेड रीजन निकालने के लिए हम जो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म बनाते हैं वो नहीं यूज करेंगे, हम पॉइंट्स यूज करेंगे. क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमें पॉइंट्स की मेथड भी बता दीजिए, तो पॉइंट की मेथड यूनिवर्सल है, वो तो काफी बेहतरीन मेथड है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी, फिर इक्वालिटी, फिर पॉइंट्स,
पॉइंट्स या डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर आएगा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन पे भी एक इश्यू है कि बच्चा कहता है कि अगर लाइन 00 से क्रॉस हो रही है तो क्या, उस पर हम सवाल देखने वाले हैं, सबर रखिए थोड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा होने वाला है, तो प्लीज वेट करिए थोड़ा। इनइक्वालिटी लिख देते हैं, ओके चेक कर लो बराबर लिखी है ना, क्योंकि इसी के दम पे क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। 2x प्लस वाई 100 बराबर, अब इक्वालिटी बनाओ, एक चीज मैं आपको छोटी सी बता दूं, वो ये कि पॉइंट मेथड लेने का रीजन है कि ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां पे 1 आना चाहिए। इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल टू मेक डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब ये लाइन ओरिजिन से क्रॉस हो रही है, जब भी डबल इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं बन पा रहा है, इस तरफ जीरो आ रहा है, एक्स और वाई है और कुछ है ही नहीं, तो वो लाइन ओरिजिन से क्रॉस हो रही है। बट एनीवेज हम पॉइंट मेथड यूज कर रहे हैं, तो चार्ट बना लेता हूं, एक दो और तीसरा, ठीक है। अब इसमें देखो, x को अगर मैंने जीरो रखा, सपोज कर लो x को अगर जीरो रखा तो क्या हो जाएगा, जीरो टू y इक्वल टू 100, y इक्वल टू 50। समझो y को जीरो रखा, y अगर जीरो ले लिया तो x आ जाएगा 100। सी आपकी मर्जी है, आप x 10 लो 50 लो, आपकी मर्जी है, बट अगर आप जीरो ले लेते हो तो कैलकुलेशन काफी इजी हो जाती है। इस केस में बताओ क्या करोगे, अगर x जीरो हो तो बताओ मुझे क्या होगा, अगर x जीरो हो तो y भी जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि जीरो इंटू टू जीरो, माइनस वाई इक्वल टू जीरो मीन्स वाई इक्वल टू जीरो। अब एक पॉइंट आ गया कि ये ओरिजिन से क्रॉस हो रहा है, अब एक और पॉइंट ले लो कोई भी, लेट से वाई इक्वल टू टू ले लो, सोचो कैसे, क्योंकि अगर टू लोगे, टू उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, सही सोचा, पॉजिटिव टू और फाइनली वन मिलेगा। इसकी प्लॉटिंग देखो, एक्स वाई, एक्स को जीरो ले लो, x को जीरो ले लो तो y 200, y को जीरो ले लो तो x 100 हो गया। शेडेड रीजन देखते हैं, ओरिजिन साइड और ओरिजिन साइड, ठीक है। अब ये आपके पास इनइक्वालिटी है, इसमें 00 रखो, 00 रखा तो क्या हो रहा है, 00 रखो तो क्या हो रहा है, 00 रखा, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 100 या इक्वल टू 100, गलत, ये सरासर गलत है। अगर यहां पे आप 00 रखोगे इसमें तो 0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 इज ग्रेटर देन 100, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो 00 इसको सेटिस्फाई करता है क्या, नहीं करता है, तो ये आ जाएगा नॉन ओरिजिन साइड। इसमें 00 रखो, अब यहां पे एक प्रॉब्लम हो रही है, पहले हम एक काम करते हैं, ग्राफ बनाते हैं फिर शेडेड रीजन निकालते हैं, क्यों, देखो सिर्फ क्वेश्चन को मैं क्लीन कर लेता हूं। ग्राफ बनाते हुए हम यहां पे ग्राफ बना लेते हैं पहले, तो सबसे पहला ग्राफ है 0 50, एक पॉइंट लेना है, x पे 0 y पे 50, x पे 0 y पे 50, लेट से यहां पे x पे 0 y पे 50, y 0 x 100, ये एक लाइन मिल गई अपने को, ठीक है। और दूसरी क्या है, 0 0 और 1 2, एक्स पे 1 वाई पे 2, तो ऐसा आ जाएगा कुछ, ठीक है। तीसरी लाइन क्या है, एक्स पे 0 तो वाई पे 200,
मतलब ऊपर x पे 0 तो y पे 200, x पे 100 तो y पे 0, मतलब ये पॉइंट। तो इनका नाम दे देते हैं, ये है लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री। तो पहली वाली थी लाइन वन, लाइन टू और लाइन थ्री। तो इस तरीके से हमारी प्लॉटिंग हो चुकी है, ठीक है। अब शेडेड रीजन की ओर बढ़ते हैं। शेडेड रीजन कैसे आने वाला है? पहली वाले लाइन का है नॉन ओरिजिन। नॉन ओरिजिन मतलब ये लाइन वन मतलब इस तरफ जाएगी, मुझे आप एक बात बताओ, लाइन टू ओरिजिन से होके जा रही है। अगर लाइन टू ओरिजिन से होके जा रही है तो जो पॉइंट इस लाइन पे है, जो पॉइंट इस लाइन पे है वो हमको नहीं लेना है। या तो इधर का कोई भी पॉइंट ले लो या तो इस तरफ का पॉइंट ले लो। देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ये लाइन है, तो या तो लाइन के इस तरफ का कोई पॉइंट ले लो, सेटिस्फाई करेगा तो शेडो इस तरफ जाएगी। और अगर लाइन के इस तरफ का पॉइंट ले लो, अगर सेटिस्फाई करेगा तो शेडो इस तरफ जाएगी। कोई भी एक पॉइंट बताओ, कोई भी एक पॉइंट। तो मैं जैसे कि आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल ये लाइन यहां से क्रॉस हो रही है 0 0 से, तो कोई भी एक पॉइंट ले लो। जैसे लेट से मैं ले लेता हूं ये वाला पॉइंट एक्स पे 1, वाई पे 0। ये पॉइंट लाइन के इस तरफ है क्योंकि लाइन तो ओरिजिन से जा रही है। तो 1 0 रख के देखो, इस पे 1 0 रख के देखो तो ये आ रहा है 2 1 2 -0 इज लेस देन इक्वल टू 0। 1 रख के देखा हमने तो क्या आ रहा है, x पे 1, y पे 0, 2 1 2 2 -0 2। क्या 2 इज लेस देन 0? नहीं। क्या 2 इक्वल टू 0? कोई भी एक कंडीशन नहीं है रही। या तो 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए या 2 लेस देन 0 होना चाहिए। लेस देन 0 है क्या? नहीं है। इक्वल टू 0 है क्या? नहीं है। देयरफॉर 1 0 डज नॉट सेटिस्फाई। और अगर 1 0 डज नॉट सेटिस्फाई करता है, मतलब ये वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसके अपोजिट साइड में शेडो जाएगी। कहां पे जाएगी? फिर इधर। ठीक है, अब देखो अपने पास लाइन है, या तो इसकी शेडो इस तरफ जाएगी या तो इसकी शेडो इस तरफ जाएगी। शेडेड रीजन कोई भी एक साइड ही जाएगी। अगर इधर का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर जाएगी, अगर इधर का पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर जाएगी। मैंने क्या रखा, अपनी वाली लाइन में इधर का पॉइंट रखा, साइड वाला, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, मतलब ऊपर ही जाएगी, कोई भी एक साइड शेडो आके ही रहेगी। नेक्स्ट, यहां पे 0 0 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये ओरिजिन से पास नहीं हो रही है। तो काफी क्रिएटिव क्वेश्चन था। 0 0 इज लेस देन 200, यस, ओरिजिन साइड। समझ आ रही है बात? 0 0 रखो इस पे, इनइक्वालिटी में 0 0 रखो, मैंने स्टार्टिंग बताया था ना, 0 0 रखो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे। तो 0 इज लेस देन 200, 0 इज इक्वल टू 200। तो आप बोलोगे इक्वल टू 200 नहीं है पर लेस देन 200 है, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मींस ओरिजिन साइड आएगा। तो तीसरी वाली लाइन कौन सी है? ये, दिस इज थर्ड लाइन। मुझे बताओ कॉमन शेडो कहां आ रही है? यहां पे 2 की शेडो आ रही है, यहां पे कुछ भी नहीं आ रही है, यहां पे इसकी अकेले की आ रही है। ये वाला एरिया देखो, इस पे इसकी भी शेडो आ रही है, इसकी भी शेडो आ रही है, इसकी भी शेडो आ रही है। तो कॉमन फिजिबल रीजन क्या होगा अपना? दिस वन इज द फिजिबल रीजन, ठीक है। अब हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है। मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट कौन सा है? क्योंकि कॉर्नर पॉइंट से हमको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज भी निकालना है ना। तो मुझे बताओ लाइन वन और लाइन टू का इंटरसेक्शन किधर आएगा? लाइन वन एंड लाइन टू का इंटरसेक्शन किधर आएगा? लाइन वन ये है और लाइन टू कौन है? ये है,
इसको 2 से इनटू कर दो, ये गया 5x इक्वल टू 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो यहां पे x 20 है, y निकाल देते हैं, x अगर 20 है तो y भी मिल जाएगा, बताओ कैसे, देखो y 40 है। दूसरा और इंटरसेक्शन निकालो, ये वाला इंटरसेक्शन किसना है, लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन है, तो लाइन 2 और लाइन 3 का इंटरसेक्शन निकालते हैं, कहां पे आएगा लाइन 2 लाइन 3 का इंटरसेक्शन, लाइन 2 है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, लाइन 3 है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200। इंटरसेक्शन कैसे निकलता है, द कॉमन पॉइंट विच लाई ऑन बोथ पॉइंट, तो हम लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करते हैं, x 50 आया है, ठीक है, y कितना आ रहा है, देखो x अगर 50 है तो y कितना आएगा, मुझे बताओ, x 50 है अगर आप इधर रखते हो तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 50 माइनस y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 100, आ गए 4 पॉइंट्स, क्लियर है। तो हमें एक फिजिबल रीजन मिल चुका है, तो मैं बाकी रेड रेड लाइन को क्लियर कर सकता हूं, ठीक है, थोड़ा सा कम कर देता हूं, ठीक है, तो इतना होने के बाद आपको पता चल गया कि फिजिबल रीजन आ गया है। कॉर्नर के 4 पॉइंट है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज आपको निकाल लेना है, तो आपको क्या करना है, ये चारों कोऑर्डिनेट्स इसमें रखने हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट, यहां पे लिखने का काम बहुत ज्यादा था, समझने का काम बहुत कम। खास चीज क्या सीखी आपने, कि जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है उसका शेडेड रीजन ढूंढने के लिए 0-0 रखने का नहीं, ये खास क्वेश्चन था, हैव अ नोट ऑफ इट, और ये फाइंड करो, मैक्सिमाइज आपको फाइंड करना है। तो चलिए इसका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज फाइंड करते हैं, पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको क्लीन कर लेते हैं, पहले आता है पॉइंट्स, फिर आता है जेड, पॉइंट्स क्या क्या है अपने पास, 0-200, 0-50, 20-40 और 50-100, क्लियर है। मार्कर कहाँ गया मेरा, अब आप क्या करो, छोटा सा बात करो, पॉइंट्स रखते जाओ Z में, तो कितना आ जाएगा, X को 0 रखो और Y को 200, तो ये जाएगा 400, ठीक है, इसके लिए क्या आने वाला है अपना जेड बताओ, 0 और 50, 100, 20-40 के लिए क्या आएगा, 250। अपने को चाहिए मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज कहां पे आ रहा है, दिस वन, तो हम यहां पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, देयरफॉर एट 0-200, क्या बोला मैंने, एट 0-200 इट इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 400, बस क्वेश्चन हो चुका है खत्म, यही सब तो करते आ रहे थे इसके पहले। ग्राफ अगर सॉल्व हो जाता है तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज काफी इजी है, प्लीज हैव अ नोट ऑफ इट।
एमएसटी सीटी की तैयारी, क्या आप विजो टीए और सीओएपी जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं, क्या आप भी लाखों के पैकेज आना चाहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए, क्या आप चाहते हैं 180 पर स्कोर करना, आपको टेंशन है कि कम समय में तैयारी कैसे होगी, क्या आपको टेंशन है कि इतने कम समय में आप अच्छे से अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हो? बच्चों, हमारे गाइडेंस के द्वारा और हमारी टॉप 12 एजुकेटर्स के गाइडेंस के द्वारा अब तक हजारों बच्चे सीओईपी और विजेटीआई जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। आपके लिए लाए हम एक बेहतरीन कोर्स जिसकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा दावा ही नहीं, हमारा वादा है, ये कोर्स आपको दिलाएगा एब्सोल्यूट सक्सेस। आइए जानते हैं डिटेल्स। सबसे पहली बात, आपको मिल जाएंगे 7000 प्रैक्टिस एमसीक्यू क्वेश्चन। दूसरी बात, PCM और PCB की 50 फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही साथ टॉप 12 एजुकेटर आपको टीच करेंगे, महाराष्ट्र के सारे एजुकेटर जो भी बेस्ट है हमने एक साथ लाए हैं आपको अनअकैडमी पर, और वो सब आपको गाइडेंस करेंगे। देखिए, रैपिड रिवीजन कोर्स भी है 100 आवर्स का PCM के लिए, PCB के लिए, जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। जून में आपकी एग्जाम है तो ये मौका आपको गवाना नहीं है, जाइए अभी एनरोल करिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर करिए। दोस्तों, मैं आपसे कह दूं, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। देखिए, ऋषिकेश सर हैं, गुणवंत सर हैं, गजानन सर हैं, खुशवंत सर हैं, सारे बढ़िया एजुकेटर। आप खुशवंत सर की प्रोफाइल तो देखिए, फिजिक्स एजुकेटर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रह चुके हैं। और दूसरी बात, IIT से हैं। क्या चाहिए आपको? गुणवंत सर यहाँ पे केमिस्ट्री के एजुकेटर हैं, गजानन सर हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, ऋषिकेश सर को आप देखिए, केमिस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट हैं। तो ये तो एक लिस्ट है, बहुत सारे एजुकेटर आपको टीच कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखिए, खुशवंत सर ने एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो फिजिक्स के ऊपर है। तो देर किस बात की दोस्तों, ये 12 एजुकेटर आपको बहुत ही धमाकेदार सक्सेस दिला देंगे। यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम द कंप्लीट सक्सेस। दोस्तों, मैं आपको और सब फीचर बता दूं, रिसेंटली हमने और भी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। द लिस्ट इज कीप गोइंग ऑन। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करिए। और अगर आपके पास लगता है टाइम लिमिटेड है तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 4499। इसमें भी आपको पे नहीं करना है, आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का ऑफ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए दोस्तों और अपनी सक्सेस को एंश्योर करिए एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। घर बैठे आपको मिल सकता है बेहतरीन गाइडेंस, आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, और मिल जाएगा आपको टॉप कॉलेज। दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वैल्यूएबल है, चीजें आप फिर भी खरीद सकते हैं, टाइम खरीद नहीं सकते हैं। तो इतनी रीजनेबल कॉस्ट में अगर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, रिस्क आपका जीरो है, रिवॉर्ड और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। दोस्तों, आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो, आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो जाएगी, कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।